हेलो रेहान, ठीक है, गुड मॉर्निंग। बाकी लोग नहीं है, कशिश। अच्छा ठीक है, कहाँ तक हुआ था? अच्छा, नंबर सिस्टम खत्म हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, ठीक है। फैक्टर एंड मल्टीपल्स में जाएंगे, फैक्टर एंड मल्टीपल्स, ठीक है। दो एक्सरसाइज देखो, फैक्टर, ठीक है, वहां मैंने ये तालिका देखा एंड मल्टीपल्स, और फैक्टर एंड मल्टीपल्स फैक्टर किसे बोलते हैं? देखो, फैक्टर अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर। देखो फैक्टर क्या होगा, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजिबल ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अगर कोई फैक्टर है किसी नंबर का, ठीक है, तो वो उससे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई फैक्टर है, मतलब जैसे सिक्स है, सिक्स है एग्जांपल, नंबर है सिक्स, सिक्स है, सिक्स का दो फैक्टर है, सिक्स टू इंटू थ्री, है ना। एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है, ठीक है। एक फैक्टर ये है, दूसरा फैक्टर ये है। एक नंबर है सिक्स जिसका दो फैक्टर है, टू और थ्री, ठीक है। ऐसे फैक्टर तीन होगा, वन टू थ्री, ठीक है। लेकिन यहां पर जो मेन फैक्टर है वो बता रहा है, वन सबका फैक्टर होता है, वन जो होता है वो सबका फैक्टर होता है, समझे। लेकिन उसके अलावा दो और तीन है फैक्टर। अगर टू थ्री फैक्टर है सिक्स का, तो ये सिक्स टू से भी डिवाइड होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, और थ्री से भी पूरा पूरा कट जाएगा, दोनों से डिवाइड होगा कि नहीं सिक्स में। ठीक है, नोट करो, समझ गए ना। मतलब कोई नंबर है, कोई नंबर है उसका जो फैक्टर होगा वो फैक्टर उस नंबर को डिवाइड करेगा, ठीक है। उस नंबर से वो
फैक्टर से वो नंबर कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। नोट कर लिए सब? ठीक है, मैं तो बोला ना सब बोल रहा है कर लिए, तब तब तो मिटा रहे हैं। बोलना चाहिए ना, जब मिटाने जा रहा है तो तुम नहीं बोल रहे हो। स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ठीक है, अब देखो मल्टीपल्स। A number is said to be a multiple of any factor. देखो, ए नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी फैक्टर्स। नंबर इज सेड टू बी मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। जैसे देखो, हेलो, आप ये सुन रहे हो राधा मंत्री? देखो, जैसे नंबर है, दिस शो दैट ईच ऑफ दी शोज दैट ईच ऑफ दी नंबर्स। हाँ, क्या क्या देखो ना, ये मल्टीपल्स लिखा रहा है, मल्टीपल्स। हाँ, पूरा लिखना है। देखो देखो, पहले देखो, रुको, यहाँ नोट कर लिए, नोट कर लिए। अच्छा, हम बता रहे हैं, देखो, जैसे कोई नंबर है वन, जैसे कोई नंबर है, देखो 15 को लिख सकते हैं, 1 into 15 लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं 3 into 5 लिख सकते हैं ना। तो इसका फैक्टर कौन कौन होगा? देखो, तो इसका फैक्टर कौन कौन होगा? फैक्टर्स कौन कौन सा होगा? देखो, वन होगा, देखो वन होगा, 15 का फैक्टर कौन कौन होगा? वन होगा, 1 से 15 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। ये हुआ फैक्टर। ठीक है, ये हुआ फैक्टर। उसके बाद देखो मल्टीपल्स। अब देखो मल्टीपल्स का मतलब क्या हुआ, ये वाला लास्ट वाला को छोड़ दो। ठीक है,
मल्टीपल्स लास्ट वाला को छोड़ दो, बाकी को इनटू करो वो आ जाएगा। जैसे देखो 1 × 3 × 5 क्या आया 15, 3 × 5 15 ये आया, ठीक है। ठीक है, लिख सकते हैं 1 × 15 = 15 होगा। नोट करो, नोट करो, ये सब मल्टीपल्स हुआ। मल्टीपल ठीक है, नोट कर लिया। थैंक यू सैनिटाइजर। हो गया ना, हमने बताया था कि देखो आ रहे हैं आगे। नोट करो, नोट करो, कंप्लीट ठीक है। देखो इवन नंबर इवन नंबर्स कौन होता है जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इवन नंबर्स का मतलब वो होता है जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, या बोलो टू का मल्टीपल हो, टू का मल्टीपल हो। जैसे 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पर 2 ही रखो, यहाँ पर 1, 2, 3 लिखो। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। ये मल्टीपल है। इवन नंबर हमारा क्या हो, कौन सा होगा? इवन नंबर्स जो हुआ 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10 जो दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। या बोले जैसे 100 है, 100 में डिवाइड करो दो से, अगर 100 दो से कट जा रहा है तो ये इवन नंबर हो जाएगा।
ठीक है फिफ्टी, तो ये क्या हुआ 100 जो हुआ हमारा इवेन नंबर्स है। ठीक है नोट करो हाँ कंप्लीट होने दो सबका। ठीक है ठीक है खुशबू देखो ऑड नंबर ऑड नंबर्स नंबर व्हिच आर Not multiples of two. Multiples of two are called odd number. Odd numbers. देखो number which are not multiples of two are called odd numbers. वो numbers जो दो का multiple नहीं हो वो odd number होता है, जो दो का multiple नहीं हो वो odd number होता है, या कहे कि जिसमें दो से पूरा पूरा divide ना हो, वो number जिसमें दो से पूरा पूरा divide ना हो वो हमारा क्या होता है odd number होता है। जैसे example 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, ये सब हमारा ऑड नंबर है, दो से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है ये दो का वो टू का मल्टीपल्स नहीं है, ये किसका मल्टीपल्स है? देखो नोट करो दो से डिवाइड नहीं होगा, ये 13 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो एग्जैक्ट डिविजिबल नहीं होगा, ये 6.5 आएगा, होल नंबर नहीं आएगा। ठीक है नोट करो हो गया। देखो प्राइम नंबर प्राइम नंबर्स ईच ऑफ
The numbers which have and exactly two factors namely one and itself लेकिन यहाँ पे हमें क्या लगता है लेस इज ठीक है कॉल्ड अ प्राइम नंबर ठीक है देखो प्राइम नंबर जो होगा वो वन से डिवाइड होगा खुद से डिवाइड होगा और किसी से नहीं कटेगा प्राइम नंबर वो होता है जो एक से कटता है और खुद से कटता है और किसी से नहीं कटता है किसी भी टेबल में नहीं आएगा प्राइम नंबर ठीक है वो एक से डिविजिबल होगा और खुद से डिविजिबल होगा और किसी से नहीं कटेगा ठीक है जैसे टू प्राइम नंबर है थ्री प्राइम नंबर है फाइव प्राइम नंबर है सेवन प्राइम नंबर है और बोलो इलेवन थर्टीन उसके बाद सेवनटीन फिफ्टीन नहीं है फिफ्टीन नहीं है क्योंकि फिफ्टीन किससे कट जाता है किसी के टेबल में आ जाता है किसी के टेबल में नहीं आना चाहिए ठीक है वो एक एक के टेबल में आना चाहिए या खुद के टेबल में आना चाहिए 19 23 21 होगा 21 होगा नोट करो हो गया ठीक देखो अब देखेंगे कंपोजिट नंबर having more than
टू फैक्टर्स, टू फैक्टर्स आर नोन एज आर नोन एज कंपोजिट नंबर. Composite numbers having more than two factors are known as composite numbers. Composite numbers का मतलब क्या होगा? Example, जो दो से ज्यादा जिसका factor हो, जो मतलब एक से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी तीसरा से भी कट जाए. नहीं, जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी तीसरा भी डिजिट से कट जाए, किसी के दूसरा के टेबल में भी आ जाए. जैसे 4, वो 1 से भी कटता है, 4 से भी कटता है, मतलब 1 से भी कटता है, खुद से भी कटता है, इटसेल्फ से भी कटता है. मतलब कि 1, 4 जो है, एक से भी कटा, एक से भी डिवाइड होगा 4, और इसका एक फैक्टर कौन होगा? एक फैक्टर 4 होगा खुद, एक 2 से भी डिवाइड हो जाएगा. 4 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा. तो कितना फैक्टर हो गया? एक फैक्टर, दो फैक्टर, तीन फैक्टर. 4 का कितना फैक्टर होगा? तीन फैक्टर. फैक्टर्स ऑफ 4, 1 हुआ, 2 हुआ, 4 हुआ. मतलब एक दो से अधिक फैक्टर हुआ, मोर देन टू फैक्टर्स हुआ. जब मोर देन टू फैक्टर्स होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो कंपोजिट नंबर होगा. जैसे 4, 6 और 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, ठीक है. नोट कर लो. नोट कर लो. अब मोमेंटम जो है मास का यूनिट क्या होता है? मास को ऐसा यूनिट में हम सेकंड में नापते हैं और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनता है? यूनिट को मीटर पर हो गया. ठीक है, केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मास. केजी मीटर पर सेकंड इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम और यूनिट सबको नोट करने दो. हो गया. कशिश हुआ, ठीक है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. एक मिनट.
इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। देखो वन जो होता है ना ही प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है, ठीक है। टू इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। टू इज द लोएस्ट प्राइम नंबर। टू इज the only even prime number, even prime number all other even numbers are composite numbers। चलो नोट करो। नोट हो गया। देखो ट्विन प्राइम टू कंसेक्यूटिव odd prime number, odd prime number numbers are known as twin prime। Twin primes, two consecutive odd prime numbers are known as twin primes। ठीक है। Pairs of twin primes
प्राइम्स बिटवीन 1 and 100 अच्छा ठीक है, यही तो कराने दो, ठीक है दीदी। ठीक है हो गया तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो।